वैसे आपको सिंपली जैसा है पोर्ट्रेट में आपको देख के ड्रॉ करना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स लगाना है, ठीक है। मैं 0.7 का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा इसके लिए मैं वीडियो को फास्ट करूँगा। तो गाइस फाइनली मैंने आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। मुझे इसे आउटलाइन को ड्रॉ करने में 20 मिनट का टाइम लगा है। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो गाइज़ आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रिंट आउट में आपको जो भी ड्राइंग करना है, जो भी फ़ोटो है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपको 10 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा प्रिंट आउट, ठीक है। आप निकाल सकते हैं उसे। आप इससे होता यह है कि आपको जो प्रिंट आउट है, इससे आपको एक्यूरेट इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जितना बड़ा है इतना बड़ा, तो इतना बड़ा फ्रीड हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। और फ़ोन में ये होता है कि फ़ोन में छोटा होता है, हमें जूम आउट जूम करके ड्रॉ करना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। आप इस तरह से अगर ड्राॅइंग करेंगे तो आपके ड्राॅइंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। आप फ्री हैंड ड्राॅइंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। मैं बता दूँ कि एक ग्रिड लाइन मेथड होता है, जिसमें इस तरह के बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह के बॉक्सेस बना के हमें फिर 1 2 3 4 इस तरह की कुछ काउंटिंग होते हैं, 1 2 3 4। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे ये पार्ट है, ठीक है, तो इस बॉक्स में आ रहा है, तो इस पार्ट को यहाँ पे देख के हमें ड्रॉ करना होता है, जिससे कि आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता इम्प्रूव, तो मैं ये रीज़न बता दूँ कि इम्प्रूव इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप इसे देख के इस बॉक्स में ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऐसा तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट होगा वो इसमें ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप इससे ड्राॅइंग करें वो अच्छी बात है, लेकिन इससे आपका ड्राॅइंग जो स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। आपको इस बॉक्स में जो है यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे तो आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं इस तरीके से, अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, हाँ, मैंने भले माना कि एक्यूरेट आपसे ड्रॉ एक बार में नहीं हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे भी नहीं है, ठीक है। तो आप फ्री हैंड ड्राॅइंग करें इस तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। मेरे कहने का मकसद ये था, ठीक है, बिगिनर्स के लिए खास करके। आप ग्रिड लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे हो गया कमीशन आर्ट वर्क, तो आपको एक्यूरेट ड्रॉ करना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपका ड्राॅइंग स्किल है, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको फ्री हैंड ड्राॅइंग करना ही पड़ेगा। मेरा तो बताने का काम है, मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव योर आर्टवर्क्स, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो से आप जो ड्राॅइंग किए हैं फ्री हैंड, उसमें इम्प्रूव आया है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching.